और कई बार हम जानते हैं कि लोग अगर कहीं फंस जाएं और किसी ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया है तो लोग दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं। हालांकि आई हैव सीन अ फतवा जो मजमू अल फिक्ह अल इस्लामिया, जो इंटरनेशनल इस्लामिक फिक्ह काउंसिल है, उसका फतवा है जिसके अंदर 42 कंट्रीज के उलमा और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो वो बताते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो ही इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, उसे अपनी वो फाइन पे कर देना चाहिए ताकि ही फील्स अ पिंच और ताकि अगली बार वो उस चीज को बेटर उससे बचने की कोशिश करे। अच्छा पहलू आपने निकाला, किसी भी रिलीजन और खासतौर पर इस्लाम से जुड़ता हुआ दिखाई देता है कि यानी अगर आप कोई गलती करते हैं रोड के हवाले से और आपको कोई पुलिसमैन रोकता है और आप उसे रिश्वत ऑफर करते हैं तो आप अपने माशरे को, अपने समाज को बिगाड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम। बिल्कुल सही, अल्लाह के रसूल सासम की हदीस है कि अर्राशी वल मुर्तशी, नबी सासम ने रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों के ऊपर लानत की और दोनों के दोनों जिम्मेदार हैं।